समाचार है, शादी में जा रहे हैं और आंख मारने का प्लान है, मतलब गाने की बात कर रहे हो, या फिर लंदन ठुमकता करोगे, या फिर भांगड़ा और होजमालों से ही काम चलाओगे। सॉन्ग कोई सा भी हो, स्टेप्स कोई से भी हो, डांस कोई सा भी हो और आउटफिट कोई सा भी हो, लेकिन हेयर स्टाइल्स आप इनमें से ही करके जाइएंगे, क्योंकि इनमें ना एक अलग ही बात है। अगर आपको अटेंड करनी है कॉकटेल पार्टी, जाना है रिसेप्शन पे, या फिर है घर की शादी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है वो अमेजिंग सी चार हेयर स्टाइल्स जो कि एफर्टलेसली खूबसूरत लगते हैं। अब देखो एफर्टलेस खूबसूरत तो मतलब बनाने में कितना आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नीचे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही बढ़िया से वीडियोस को टाइम टू टाइम एंजॉय करने के लिए। सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको पक्का हिट कर दें, वरना आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। लेट्स रोल। जो भी हेयर स्टाइल ट्राई करनी है, ऑलवेज स्टार्ट बाय कोमिंग योर हेयर। इससे ना सिर्फ आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, नॉट्स निकल जाते हैं, हेयर स्टाइल जल्दी बनती है, और हाँ, जो एक वो फिनिशिंग मिलती है और जो नीट लुक मिलता है आपकी हेयर स्टाइल को, उसके तो कहने ही क्या। सो स्टार्ट बाय कोमिंग योर हेयर। सबसे पहली हेयर स्टाइल जो कि है फ्रंट ब्रेडेड हेयर स्टाइल, इसके लिए आपको आपके बालों को फ्रंट सेक्शन में से डिवाइड कर लेना है। आफ्टर दैट फ्रंट सेक्शन के सारे बालों को आगे की तरफ करके बाकी के सारे बालों को पीछे एक पोनीटेल में बांध लीजिए, सो दैट वो आगे की हेयर स्टाइल बनाते टाइम में ज्यादा दिक्कत ना करें। आफ्टर दैट जो आपने फ्रंट सेक्शन के बालों को छोड़ा था, उनको आपको तीन इक्वल सेक्शंस में डिवाइड करना है, और उन तीनों ही सेक्शंस में आपको बना लेनी है थ्री स्ट्रैंड ब्रेड, वेरी इजी टू डू। और उसके बाद में बाकी के सेक्शंस पर भी सेम ही स्टेप्स रिपीट होंगे। सो सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड वाले सेक्शंस पे बनाई थी ब्रेड्स, और उसके बाद मैं चलूंगी लेफ्ट हैंड साइड्स पे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पहले ब्रेड्स बना लेती हूँ और उनको इलास्टिक से सिक्योर कर लेती हूँ। जब दोनों ही साइड से आपकी 6 ब्रेड्स रेडी हो जाएंगी, उसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। इसके लिए आपको आपके पीछे वाली जो पोनीटेल है उसको ओपन कर देना है। पोनी ओपन करके पीछे के बालों को स्मूथ कर लीजिए यूजिंग योर फिंगर और कॉम, जो भी आपके पास हो, सो दैट वो जो बैंड का ट्विस्ट आता है वो भी आपके बालों में ना रहे। आफ्टर दैट हमने दोनों साइड से जो तीन तीन ब्रेड्स बनाई थी, इनको आपको इक्वल डायरेक्शन देते हुए पीछे की तरफ बॉबी पिन से सिक्योर कर लेना है। बॉबी पिन से सिक्योर करते टाइम पे एक बार फिर चेक कर लीजिएगा कि इनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है, और वो जो हल्का सा एक लूज साइन में इफेक्ट आता है वो आना चाहिए, जिससे वो हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा एफर्टलेसली ब्यूटीफुल लगती है। जब आपने ब्रेड्स को अच्छे से सिक्योर कर लिया है, आफ्टर दैट आपको जो इलास्टिक है वो ओपन कर लेनी है, और बॉबी पिन के बाद में जो भी हिस्सा आपका ब्रेडेड है उसको भी ओपन कर लीजिए और उसको स्मूदन आउट कर लीजिए अपनी फिंगर्स की हेल्प से। एंड दैट्स अबाउट इट। इतना ही आसान है इस हेयर स्टाइल को बनाना, जो कि है तो बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, और टीके के साथ में तो इसके कहने ही क्या। की बात हो और हम बन ना बनाए नॉट पॉसिबल, क्योंकि टीका विद बन एक ऐसी हिट जोड़ी है जो कि हर आउटफिट के साथ में बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो सबसे पहले स्टार्ट बाय कॉमिंग योर हेयर। फ्रंट सेक्शन में से अपने बालों को डिवाइड कर लीजिए एंड देन टीके को अच्छे से फिक्स कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ बॉबी पिन। आफ्टर दैट आपको आगे के बालों का कुछ इंचेस का सेक्शन छोड़ के पीछे के बालों से दोनों तरफ से आपको इक्वल पार्ट्स लेने हैं और उनको स्मूदन आउट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ अ कॉम। यहाँ पर बारी आती है बम्पिट को प्लेस करने की। नाउ बम्पिट से जो एक लुक आता है आपकी हेयर स्टाइल में, वो ना सिर्फ आपकी हेयर स्टाइल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, बल्कि ये काफ़ी चीप भी आते हैं और आप इनको लोकल मार्केट या फिर ऑनलाइन दोनों जगह से परचेस कर सकते हैं। इनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप चेक कर सकते हैं। इसको प्लेस करने के बाद में बालों को पीछे से हल्का सा बैककॉम कर लीजिए, टीज कर लीजिए, और इनको पीछे की तरफ बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए। इससे आप पीछे के बालों में काफ़ी एक अच्छा लिफ्ट दे सकते हैं, जो कि टीके के साथ में काफ़ी सुंदर लगता है। उसके बाद में फ्रंट से 2 से 3 इंचेस का सेक्शन छोड़ते हुए पीछे के सारे बालों को एक हाई पोनीटेल में बांध लीजिए। हम यहाँ पे बनाने वाले हैं हाई बन, तो उसमें थोड़ा सा भरावट वाला लुक चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये डोनट। डोनट को अपनी पोनीटेल में रबर के साथ में लगा दूंगी और बालों को अच्छे से फैला के अच्छी क्वालिटी का जो हेयर बैंड होता है उससे सिक्योर कर लूंगी। आफ्टर दैट जो भी सारे बाल बचते हैं उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लूंगी। राइट वाले को क्रॉस करूंगी लेफ्ट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्रॉस करूंगी राइट हैंड साइड पे, और दोनों ही साइड के बालों को अच्छे से बॉबी पिन या फिर यू पिन की हेल्प से सिक्योर कर लूंगी, और यहाँ पे रेडी हो जाएगा आपका ये भरा हुआ बन। अब थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं यहाँ पे कर्ल्स का। जो फ्रंट के 2 से 3 इंचेस का सेक्शन हमने छोड़ा था, वहां पर मैं यूज कर रही हूँ ये VNG का कर्लर, और उनको थोड़ा सा एक कर्लिंग इफेक्ट दे दूंगी, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और वो जो हाई एक बन हमने बनाया है उसके साथ में ये फ्रंट से ये जो कर्ल्स आ रहे हैं ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस हेयर स्टाइल को। 2 से 3 स्टेप्स में ये हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा वेरेबल है, और बहुत ज़्यादा हैवी एक अप्रोप्रिएट लुक आपको मिलता है शादी या फिर पार्टी के लिए, और टीके के साथ में तो कहने ही क्या। जो थर्ड हेयर स्टाइल है टीके के साथ में, ये उनके लिए बहुत अच्छी है जिनके पास में लास्ट में सिर्फ 2 या फिर 1.5 मिनट का टाइम बचता है। बहुत ज़्यादा इजी और क्विक है इसको बनाना।
सबसे पहले स्टार्ट बाय कोमिंग योर हेयर एज आई ऑलवेज से। उसके बाद में टीके को अच्छे से फिक्स कर लीजिए आपके बालों को फ्रंट पार्टिंग में डिवाइड करते हुए। टीका जब अच्छे से सेट हो जाए आपके बालों को साइड पार्टिंग में डिवाइड कर लीजिए फ्रंट से, सारे बाल आपको नहीं करने हैं। और उसके बाद में स्टार्ट ट्विस्टिंग योर हेयर पीछे की तरफ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ राइट ट्विस्ट से। सो यहाँ पर मैंने जो फ्रंट सेक्शन में 2 से 3 इंचेस का सेक्शन होता है उसको मैंने लिया और काफ़ी अच्छा पीछे तक मैंने इसको ट्विस्ट किया और उसके बाद में हल्का सा पुल करते हुए सो दैट एक भरा हुआ लुक मिले फ्रंट से। और पीछे मैं इसको इस तरीके से पिनअप कर लूँगी, सिक्योर कर लूँगी बॉबी पिन से ताकि वो ज़्यादा विजिबल ना हो। आप इस केस में क्या कर सकते हैं, पीछे से थोड़ा सा बालों की लेयर हटाइए, बालों के इस सेक्शन को सिक्योर करिए और ऊपर वाले बालों के सेक्शन को इस बॉबी पिन से ढक दीजिए। एज सिंपल इज दैट। दूसरी साइड में भी आपको सेम ही स्टेप्स को फॉलो करना है। आगे से 2 से 3 इंचेस का सेक्शन लीजिए बालों का एंड देन एंड तक आप इसको काफ़ी अच्छा ट्विस्ट करते जाइए। काफ़ी लंबा आपको ट्विस्ट करना है इसको पीछे तक एंड देन सिक्योर कर लीजिए कुछ इस तरीके से कि ये ज़्यादा विजिबल ना हो। एंड दैट्स अबाउट इट। इतना ही आसान है इस हेयर स्टाइल को बनाना, टीके के साथ में तो बहुत सुंदर लगते ही है। और हाँ, कम टाइम में यह हेयर स्टाइल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो फोर्थ हेयर स्टाइल है ये शॉर्ट टू मीडियम हेयर लेंथ पे बहुत अच्छी लगती है विद और विदाउट बैक पूफ। सो यहाँ पे वील स्टार्ट बाय कोमिंग आर हेयर और उसके बाद में फ्रंट पार्टिंग करके टीके को अच्छे से प्लेस कर दीजिए और इस तरीके से फिक्स करिए कि वो गिरे तो बिल्कुल नहीं और हिले भी नहीं। उसके बाद में फ्रंट सेक्शन में से कुछ इंचेस के बाल छोड़ के पीछे से दोनों साइड से एक बालों का सेक्शन लीजिए, उसको आगे की तरफ करते हुए पीछे के साइड में एक बम्पिट को आपको प्लेस करना है। नाउ इससे काफ़ी अच्छा लिफ्ट आता है आपकी हेयर स्टाइल में और फ्रंट से लुक आता है फेस का और हेयर स्टाइल का बहुत ही सुंदर आता है। तो इसको प्लेस कर दीजिए और जो बालों का सेक्शन आपने उठाया है उसको पीछे से हल्का सा बैक कॉम्ब करते हुए सो दैट उनमें एक वॉल्यूम आ जाए, उस बालों के सेक्शन को बम्पिट के पीछे बॉबी पिन से सिक्योर कर लीजिए काफ़ी अच्छे से। पीछे के सारे बालों को एज इट इज रहने दीजिए। फ्रंट के जो 2 से 3 इंचेस का सेक्शन है यहाँ पे मैंने उनको कर्लिंग इफेक्ट दिया हुआ था मेरी पिछली हेयर स्टाइल में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको फ्रंट पार्टिंग जो थी उसको बदलते हुए मैं मेरी यूजुअल पार्टिंग जो है साइड पार्टिंग उसमें मैं मेरे बालों को ले लूंगी एंड देन जस्ट रन योर फिंगर थ्रू योर हेयर अपने फेस को अच्छे से फ्रेम करते हुए एंड दैट्स अबाउट इट। इतना ही आसान है इस हेयर स्टाइल को बनाना। स्पेशली टीके के साथ में जब ये वाली हेयर स्टाइल हम ट्राई करते हैं बम्पिट के साथ में लिफ्ट देने वाली, तो इससे ना सिर्फ हमारी हेयर स्टाइल को एक रिच लुक मिलता है बल्कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल बन जाती है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सी हेयर स्टाइल आप ट्राई करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए हमारा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इनमें से कोई भी हेयर स्टाइल अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका प्लीज जो फीडबैक है, एक्सपीरियंस है या फिर पिक्चर्स, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मुझे काफी अच्छा लगेगा आपकी इमेजेस को देख के और शायद मैं स्टोरीज पे रिपोस्ट भी कर दूँ कि नहीं, कैसा लगा आइडिया मुझे बताना। चलिए मैं आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी बेहतरीन खूबसूरत वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच।